हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट आई होप आप सभी हेल्दी हैं और घर पर ही रह रहे हैं सो so फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है ब्लड वेसल्स तो चलिए स्टडी करते हैं सो ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होता है ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी सो ब्लड वेसल एक तरह का एक नेटवर्क है बहुत ही वास्ट नेटवर्क है मीन्स एक तरह का जाल है जो हमारी पूरी बॉडी में बिछा हुआ है सो so, ये ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं एंड ये सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉम्पोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं एक आता है हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स सो ये भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी सो बेसिक फंक्शन ब्लड वेसल्स का है ट्रांसपोर्टेशन का और ट्रांसपोर्टेशन भी किसका ब्लड का सो ब्लड को ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी पूरी बॉडी में दीस वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी सो ये वेसल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं सो ब्लड के द्वारा ये टिश्यूज तक ब्लड सेल्स को पहुंचाती हैं ब्लड सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे डाइजेशन से न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती है टिश्यूज तक एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कैरी करती है टिश्यूज तक ऑफ द बॉडी दे ऑल्सो टेक वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यूज़ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट को भी टिश्यूज से निकाल कर Uh, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और लंग्स तक पहुंचाता है लंग्स में ये गैसेस का एक्सक्रीशन करता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर ब्लड लंग्स तक लेकर जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो जाती है सो so, इस तरह से ब्लड जो है न्यूट्रियट्स भी देता है टिश्यूज़ को जो उनके जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करता है टिश्यूज से सो so नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स सो ब्लड वेसल्स की मेनली फाइव टाइप्स हैं सो ये हार्ट से जो निकलती हैं इनको बोलते हैं आर्टरीज दैट इज दे गो अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट जाती हैं और जो वेंस जो कि हार्ट में वापस जाती हैं दैट इज टू अर्ड्स द हार्ट जाती हैं ये इनको बोलते हैं वेंस सो फर्स्ट है आर्टरीज जो कि हार्ट से निकली है आर्टरीज अगेन स्मॉलर ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं आर्टरीओल्स आर्टीरियोल्स देन कैपिलरीज में जाकर मिलती हैं कैपिलरीज और फर्दर स्मॉलर ब्रांचेज हैं बहुत ही टाइनी ब्रांचेज होती हैं ये जो कि टिश्यूज तक जाती हैं टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट्स लेके जाती हैं एंड देन वही कैपिलरीज वेन्यूल्स जो कि स्मॉलर वेंस हैं उनमें जाकर मिलती हैं वेन्यूल्स देन वेन्स में जाकर मिलती हैं है, और वेंस वापस हार्ट में जाती हैं सो so, ये फाइव टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं तो चलिए इनको डिटेल में स्टडी करते हैं आर्टरीज़ आर्टरीज का जो डायमीटर है वो फोर मिलीमीटर mm होता है एंड आर्टीरियोल्स आर्टीरियोल्स का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर होता है सो आर्टरीज क्योंकि बड़ी है डायमीटर में एंड देन फर्दर इनकी ब्रांचेस हैं आर्टीरियोल्स जिनका डायमीटर कम होता है 10 माइक्रोमीटर सो आर्टरीज़ का क्या फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम द आयोटा सो जो आर्टरीज हैं वो आयोटा की ब्रांचेज हैं सो so, ये हार्ट में आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी आर्टरी है आयोटा सो आयोटा की फर्दर ब्रांचेज हैं आर्टरीज सो आर्टरीज का क्या काम है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स दूर लेके जाना हार्ट से पूरी बॉडी में फ्रॉम द आयोटा सो आयोटा का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है दैट इज ट्वेंटी फाइव एम एम हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स टू विथस्टेंड द हाई प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ब्लड सो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा सॉरी थिक होती हैं थिक होती हैं मतलब ज़्यादा मोटी होती हैं वेन से क्योंकि हार्ट से जो सीधा ब्लड निकल रहा है वो बहुत ही हाई प्रेशर में निकलता है सो so, वो ब्लड को विथ करने के लिए झेलने के लिए जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं लार्जर आर्टरीज लाइक आयोटा हैव मोर इलास्टिक टिश्यू लेस स्मूद मसल सो जो लार्जर आर्टरीज होती हैं जैसे कि आयोटा एंड देन आर्टरीज इनका जो uh, इनमें जो इलास्टिक टिश्यू है इनकी वॉल्स में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ मसल इलास्टिक टिश्यू इनमें इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो हाई प्रेशर से हार्ट से बड ब्लड पम्प हो रहा है उसकी वजह से जो आयोटा है वो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेच हो सकता है इलास्टिसिटी उसमें उसके अकॉर्डिंगली होती रहती है सो so, इसलिए उसको विद स्टैंड करने के लिए वो जो प्रेशर ऑफ ब्लड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच होते हैं इसलिए इनके पास इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होता है और स्मूथ मसल्स कम होती हैं और जैसे जैसे आगे ये और ब्रांचेज होती जाएंगी जैसे आर्ट आयोटा से आर्टरीज़, आयोटा में सबसे ज्यादा इलास्टिक टिश्यू होगा देन आर्टरीज़ में उससे कम और आर्टीरियोल्स में सबसे कम इनको रेजिस्टेंस आर्टरीज भी कहते हैं रेजिस्टेंस और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज़ ऑफर टू ब्लड फ्लो इन द आर्टीरियोल्स रेजिस्टेंट वैसल्स सो आरटी को रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं क्योंकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इसी की वजह से होता है क्योंकि जो आर्टीरियोल है, हैं वो हमारे टिश्यूज तक पहुँचते हैं देन आगे कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं सो so, जो ब्लड फ्लो है इनमें जो इनमें जो ब्लड फ्लो है वही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनकी वॉल्स को इसलिए जो पेरीफिरल रेजिस्टेंस है वो आर्टीरियोल्स की वजह से ही होता है नेक्स्ट है वॉल्स ऑफ द आर्टरीज अब आर्टरीज किन किन वॉल्स से बना है कितनी लेयर्स ऑफ टिश्यू से बना है सो so, इनकी जो वॉल्स है वो थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी है सो so, सबसे जो आउटर है वो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना सो जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी है देन है मिडल लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया दैट इज मिडल लेयर ये स्मूद मसल और इलास्टिक टिश्यू से बनी है और सबसे इनर है ट्यूनिका इंटिमा, सबसे इनर लेयर है जो कि स्क्वेमस एपिथीलियम सेल से बनी है और इसको बोलते हैं एंडोथीलियम सबसे इनर लेयर सो थ्री मेन जो लेयर्स हैं इसकी वो हैं टिश्यूज की नेक्स्ट स्टडी करेंगे कैपिलरीज कैपिलरीज क्या होते हैं इनका जो डायमीटर है वो फाइव टू एट माइक्रोमीटर होता है सो आरटीरियोल्स ब्रेकअप इंटू माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज सो जो आरटीरियोल्स हैं वो आगे फर्दर ब्रांचेज में कन्वर्ट होती हैं ब्रेकअप होती हैं और ये ब्रांचेज बहुत ही माइन्यूट होती हैं बहुत ही स्मॉल होती हैं इनको बोलते हैं कैपिलरीज सो so, जो कैपिलरीज हैं वो टिश्यूज़ तक जाती हैं टिश्यूज में न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाती हैं सो कैपुलरिज लिंक द स्मॉलेस्ट आरटीरियल्स टू द स्मॉलेस्ट वेन्योल्स सो टिश्यूज तक जाती हैं और टिश्यूज से फिर ये जब निकलती हैं सो so ये वेन्योल्स जो वेन्स की स्मॉलेस्ट ब्रांचेज हैं उनके साथ लिंक करती हैं सो so, ये कैपिलरीज एक लिंक बनाती हैं आरटेरियोल और वेन्योल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द टिश्य ब्लड अकर्स थ्रू दीज वेसल्स सो जो कैपिलरीज़ हैं वो टिश्यूज तक जाती हैं सो so, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कैपिलरीज और टिश्यूज़ के बीच में ही होता है सो so, जो कैपिलरी में ब्लड है और जो टिश्यूज़ में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है वो कैपिलरीज के थ्रू ही हो रहा है और इसको कैपिलरी बेड भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरी टिश्यूज के ऊपर बिछी होती हैं कैपिलरीज बहुत ही स्मॉल होती हैं ये अब है साइनोसोइड्स sinusoid. साइनोसोइड क्या होता है इन सर्टेन प्लेस आर कैपिलरीज, इंक्लूडिंग द लीवर एंड बोन मैरो। कैपिलरीज आर सिग्निफिकेंटली वाइडर एंड लीकियर देन नॉर्मल सो कुछ प्लेसिस पर कुछ सर्टेन प्लेसेस ऐसे हैं जैसे कि लीवर और बोन मैरो वहां पर जो कैपिलरीज होती हैं वो यूजुअल मींस आम तौर से थोड़ी सी ज़्यादा वाइड होती हैं मींस उनका जो ल्यूमन है अंदर का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा बड़ा है दूसरी कैपिलरी से और ये कैपिलरीज थोड़ी सी बड़ी भी हैं और थोड़ी सी लीकियर भी हैं मीन्स इनसे इजिली मटीरियल पास हो रहा है देयर वॉल्स आर इनकंप्लीट इनकी जो वॉल्स हैं वो भी इनकम्प्लीट होती हैं बीच में गैप्स होते हैं ल्यूमन मच लार्जर देन यूजअल इनका जो ल्यूमन है मीन्स जो इनर लाइनिंग है इनका जो डायमीटर है वो भी ज्यादा बड़ा है दूसरी कैपिलरीज से इसका फायदा ये है, ये है है बेनिफिट जिससे इन जैसे कि लीवर और बोन मैरो में फास्ट एक्सचेंज होता है सबस्टांसिस का ब्लड और टिश्यूज के बीच में सो so, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं ये लीवर में एक साइनोसॉइड है जिसकी जो वॉल्स है वो इनकम्प्लीट है और इनका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है इसकी वजह से फास्ट एक्सचेंज हो रहा है लीवर में और ब्लड में सो so, इनको बोलते हैं साइनोसॉइड्स नेक्स्ट है वेंस वेंस का जो डायमीटर है वो फाइव मिलीमीटर होता है एंड वेन्यूल्स वेन्यूल्स का डायमीटर ट्वेंटी माइक्रोमीटर होता है और वेनस सिस्टम भी इसको बोलते हैं फ्रॉम द कैपलरीज वेनस सिस्टम स्टार्ट एंड इट इंक्लूड्स अब सबसे पहले आयोटा से आर्टरीज निकली आर्टरीज से आर्टीरियोल्स निकली आर्टेरियोल्स से कैपिलरीज निकली अब कैपिलरीज किस में मिलती हैं वेन्यूल्स में और वेन्यूल्स वेंस में एंड देन वो वेंस जो है इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा हार्ट में जाकर मिलती हैं सो फ्रॉम दैपिलरीज कैपिलरीज से वेनस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है सो so ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कैपिलरीज से वेन्यूल वेनियोल से वेन एंड देन वेना वेनाकेवा सो ये स्टार्ट हो गया कैपिलरीज से वेनस सिस्टम वेन्यूल्स वेन्स एंड वेना वेनाकेवा सो वेना वेनाकेवा का जो डायमीटर है वो थर्टी एम एम होता है मिलीमीटर सो कैपिलरीज एंड इन वेन्यूल्स वेन्स थिनर देन आर्टरीज रिटर्न ब्लड टू द हार्ट एट लो प्रेशर हमने पढ़ा था कि आर्टरीज हैं उसमें ब्लड जो है हाई प्रेशर में आता है जबकि जो वेन्स है उसमें ब्लड लो प्रेशर में हार्ट तक जाता है सो so, जो वेन्स का जो वेन्स जो होती हैं वो थिन होती हैं इनके वॉल्स भी थिन होती हैं आर्टरीज से सेम लेयर ऑफ टिश्यज आर्टरीज बट एज लेस मसल एंड लास्टिक टिश्यू दैन आर्टरीज अब इसमें आर्टरीज से कम इलास्टिक टिश्यू होता है बाकी लेयर जो है सेम रहती हैं टिश्यूज़ के लेकिन इलास्टिक टिश्यू कम होता है इसका रीज़न यही है क्योंकि जो ब्लड जो इनके ब्लड में प्रेशर है वो लो है सो तो आर्ट, जो वेंस है वो लो प्रेशर से ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट तक इसलिए इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इलास्टिक टिश्यू की ज़्यादा स्ट्रेच होने की ज़रूरत नहीं है सम वेन्स है वॉल्स दैट एन श्योर फ्लो ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट प्रिवेंट एंड बैक प्रिवेंट द बैक फ्लो सो अब क्योंकि जो वेन्स हैं वो हार्ट तक जाती हैं सो so हो सकता है कि ग्रेविटी की वजह से जो वेन्स uh, में जो ब्लड है वो रिटर्न हो सकता है बैक फ्लो हो सकता है पीछे की तरफ आ सकता है इसलिए वेंस में क्या होते हैं वॉल्स होते हैं वॉल्स एक तरह के डोर्स होते हैं जो कि इसके बैक फ्लो को ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं और ब्लड का कॉन्स्टेंट फ्लो हार्ट तक बनाए रखते हैं वेन्स डिस्टेंसिबल आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल कैपेसिटी टू होल्ड द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी ब्लड अब कैपेसिटेंस वेसल्स क्या होते हैं कैपेसिटेंस वेसल्स इनको बोला जाता है वेन्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लार्ज प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो बॉडी का ब्लड है वो होल्ड करके लग रख सकते हैं सो so, इसलिए इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये लार्ज प्रोपोर्शन ब्लड को होल्ड कर सकें इसलिए इसको बोलते हैं सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी एंड अगर समझ आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट